हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर फोर टॉपिक दैट इज़ रिलीजियस फॉर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया, दैट इज़ पेज नंबर 148 इन योर एनसीईआरटी बुक। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में जो भी बात की वो साउथ के बारे में बात की। हमने साउथ में ही देखा कि कैसे रिलीजन को फॉलो किया जा रहा था, जिसमें हमने जैनिज़्म, बुद्धिज़्म एंड ब्रह्मानिकल आइडियाज़ और भक्ति के बारे में भी पढ़ा। आज जो है वो हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, यानी वो एरिया जिसमें हम बिलोंग करते हैं, जिससे हम बिलोंग करते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये सारे एरिया की बात करेंगे। कि जो जब साउथ में ये सब कुछ चल रहा था, वेरा शिवा ट्रेडिशन आया या हम कहें भक्ति मूवमेंट चल रहा था, तो उस टाइम पे जो इंडिया का नॉर्थ पार्ट था वहाँ पर क्या हो रहा था, इसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। जब साउथ में ये सारा कुछ चल रहा था, वेरा शिवा एंड भक्ति मूवमेंट, तो जो नॉर्थ इंडिया था वहाँ पे भी क्या हो रहा था, विष्णु भगवान और शिव भगवान की डाइटेज को, यानी स्टैचूज को पूजा जा रहा था। किसको? विष्णु भगवान एंड शिव भगवान की डाइटेज को पूजा जा रहा था। ये कैसे पता चला कि विष्णु भगवान और शिव भगवान की वहाँ पे पूजा हो रही थी, यानी भक्ति मूवमेंट वहाँ पे भी फॉलो किया जा रहा था, भक्ति वहाँ पे भी अराइज हो गई थी? तो वो पता चला टेम्पल्स से। वहाँ कुछ ऐसे टेम्पल्स मिले जो किंग्स के द्वारा वहाँ पर बनवाए गए थे। किसके द्वारा? किंग्स के द्वारा, बाय किंग्स। तो किंग्स के द्वारा वहाँ बनवाए गए थे, ऐसे सपोर्ट ऑफ रूलर्स की वजह से वहाँ टेम्पल्स बनाए गए जहाँ विष्णु भगवान और शिव भगवान की डाइटीज या स्टैचूज़ को पूजा गया था। लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे ये पता चले कि वहाँ के जो लोग थे वो अलवर्स या नयनार्स थे। क्या थे? अलवर्स और नयनार्स के बारे में, यानी नॉर्थ इंडिया में कोई भी ऐसा एविडेंस हिस्टोरियंस को नहीं मिला था। उन्हें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे उन्होंने ये पता लगाया हो कि वहाँ पे अलवर्स और नयनार्स की एग्जिस्टेंस हुआ करती थी उस टाइम पीरियड में, जब साउथ में वैराशिवा ट्रेडिशन और भक्ति ट्रेडिशन वगैरह चल रहे थे। और उसी टाइम पीरियड में नॉर्थ इंडिया में राजपूत भी एमर्ज्ड हुए, यानी हिस्टोरियन को ऐसे प्रूफ मिले जिनसे ये पता चला कि उस टाइम पीरियड में वहाँ पर कौन एग्जिस्ट करते थे। राजपूत एग्जिस्ट करते थे। राजपूत जो क्लास थी वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास मानी जाती थी। राजपूत स्टेट जो है वो आज भी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट मानी जाती है। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, ब्राह्मण्स के आइडियाज़ को फॉलो किया जा रहा था। किसके आइडियाज़ को? ब्राह्मण्स के आइडियाज़ को फॉलो किया जा रहा था, यानी ब्राह्मण्स का राजपूत सोसाइटी में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल था। क्या था? सिग्निफिकेंट रोल था, काफ़ी ऊंचा प्लेस था। इतना ऊंचा या इतना सिग्निफिकेंट रोल था कि अगर इन्होंने कुछ भी कह दिया ना, कोई भी बात कर दी, तो वो सारे राजपूत के लिए, सारे के सारे राजपूत के लिए एक ऑर्डर हो जाता है। क्या हो जाता है? एक ऑर्डर हो जाता है विच दे हैड टू फॉलो, जिन्हें उन्हें मानना ही पड़ता है। तो इस केस में जो ब्राह्मण्स थे उनका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल था राजपूत सोसाइटी में। उन्हें सबसे ऊपर हायर पोजीशन पे रखा जाता था। इवन जो राजा होता था, जो किंग होता था, उसे भी क्या करना पड़ता था? ब्राह्मण्स को फॉलो करना पड़ता था। यानी अगर ब्राह्मण ने कोई डिसीजन दे दिया तो किंग हैड टू फॉलो आल्सो, तो किंग को भी वो बात माननी पड़ती थी। तो नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा था, भक्ति फीलिंग अराइज हो रही थी, और साथ ही साथ जो थे वो राजपूत भी वहाँ पर अराइज हुए, यानी राजपूत कैटेगरी भी वहाँ पर एग्जिस्ट करने लगी। और यही नहीं कि सिर्फ भक्ति मोमेंट या भक्ति ही वहाँ राइज हुई थी, और भी काफ़ी ऐसे रिलीजन थे जो वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पीरियड में, जब साउथ में वैराशिवा या हम कहें भक्ति मोमेंट या ब्रह्मानिकल आइडियाज़ फॉलो किए जा रहे थे। तो उस टाइम पीरियड में नॉर्थ इंडिया में भक्ति के साथ साथ, राजपूत के साथ साथ, कुछ और भी ऐसे रिलीजन थे जो वहाँ पर फॉलो किए जा रहे थे, जैसे नाथ्स, जोगीज एंड सिद्धास।
तो इनके अपने रिलीजन हुआ करते थे और ये कुछ रिलीजियस लीडर थे। क्या थे? रिलीजियस लीडर्स थे जिन्हें वहाँ के लोग फॉलो करते थे, और मेनली ये जो बिलोंग करते थे ना, वो बिलोंग करते थे आर्टिसनल ग्रुप से, आर्टिस्ट के ग्रुप से ये क्या करते थे, बिलोंग करते थे। यानी आर्टिसंस का, क्राफ्टमैन का, वीवर्स का, इनका अपना ही एक धर्म हुआ करता था जिसे वो फॉलो किया करते थे। और इनके जो ट्रेड थे वो भी काफ़ी एक्सपेंडेड ट्रेड थे। क्या थे? एक्सपेंडेड ट्रेड थे इनके, इतने इतने एक्सपेंडेड ट्रेड थे कि ये जो एक्सपेंशन था वो सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया तक पहुंचा हुआ था। कहाँ तक? सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया तक पहुंचा हुआ था। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या क्या कि नॉर्थ इंडिया में कौन सा रिलीजन फॉलो किया जा रहा था, वहाँ पे भी भक्ति रिलीजन फॉलो किया जा रहा था, ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अलवर्स और नैनार्स के कोई भी एविडेंस नॉर्थ इंडिया में नहीं मिले थे। राजपूत कैटेगरी वहाँ पे एमर्ज करती थी और वो अपने ब्राह्मण्स को बहुत पूजते थे, सबसे ऊंचा स्थान अपनी सोसाइटी में वो दिया करते थे। इवन जो किंग था वो भी ब्राह्मण्स को फॉलो करता था, उनके ऑर्डर को मानता था। यही नहीं, इन दोनों ट्रेडिशंस के अलावा भी बहुत से ऐसे रिलीजन थे जो वहाँ पे फॉलो किए जाते थे, और कुछ रिलीजियस लीडर्स जो हैं वो बताए गए, जैसे नाथ हो गए, जोगीज हो गए, सिद्धाज हो गए। तो ये जो लीडर्स थे ना, ये आर्टिसनल ग्रुप से, यानी आर्टिस्ट ग्रुप लोगों के, आर्टिस्ट जो लोग हुआ करते थे उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते थे। और ये अपना जो ट्रेड था, इन्होंने अपने ट्रेड का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया, और इतना डेवलप किया, इतना ग्रो हुआ इनके ट्रेड का कि वो सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया तक भी एक्सपेंडेड था। लेकिन इनका जो रिलीजन था ना वो लिमिटेड था। क्या था? लिमिटेड, लिमिटेड टू देयर सोसाइटी, उनकी खुद की सोसाइटी, यानी आर्टिस्ट के जो अपना ग्रुप बना हुआ था उन तक ही ये जो इनका रिलीजन था वो लिमिटेड था। इसी वजह से इनको रूलर से कोई सपोर्ट नहीं मिलती थी। क्या नहीं मिलती थी? नो सपोर्ट फ्रॉम रूलर्स। जैसे हमने पहले भी बात की कि रॉयल पैटर्नेज दिया करते थे किंग्स, यानी लैंड ग्रांटेड किया करते थे अपनी प्रजा के लिए, पब्लिक के लिए टेम्पल्स वगैरह बनवाए करते थे। लेकिन इस आर्टिशनल ग्रुप के साथ जो अलग रिलीजन को फॉलो कर रहे थे, उन्हें रूलर से ऐसी कोई भी पैटर्नोइज नहीं मिली थी, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला था। ये जो लीडर्स थे, इन लीडर्स ने भी क्वेश्चंस किए थे किसको? वेदास को। जैसे हमने पहले भी बात की थी, जैसे वैराशैव ट्रेडिशन हो गया या भक्ति ट्रेडिशन हो गया, तो इन्होंने वेदास के क्वेश्चन किया था, यानी इन्होंने भी कास्ट सिस्टम को नहीं माना था। तो लीडर्स, इनके जो लीडर्स हुआ करते थे उन्होंने वेदास को क्वेश्चन किया था, मेनली वो जो था वो था कास्ट सिस्टम के ऊपर। तो ये भी कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे, नहीं मानते थे कास्ट सिस्टम जैसी बातें। तो इनके जो रिलीजियस की पॉपुलैरिटी थी वो उनके एरिया तक ही क्या थी, लिमिटेड थी पॉपुलैरिटी। तो इनका जो रिलीजन था वो इतना ही पॉपुलर था जितना कि इनका एरिया, इन देयर रीजन ओनली। गॉट इट? फिर क्या हुआ था, जैसे जैसे ये सारा कुछ चल रहा था, जब 13 सेंचुरी का टाइम पीरियड आया, किसका? 13 सेंचुरी का टाइम पीरियड आया, तो वहाँ पे एक और कैटेगरी एमर्ज हुई। तो वो एमर्ज कैटेगरी कौन थी? एमर्जेंस ऑफ टर्क्स। यानी वहाँ पे अब कौन आ गए थे? टर्क्स आ गए थे। कौन सी सेंचुरी में? 13 सेंचुरी में। और उन्होंने क्या एस्टेब्लिश कर दी थी? दिल्ली सल्तनत। क्या एस्टेब्लिश कर दी थी? दिल्ली सल्तनत। अगर आपको अपनी +1 की हिस्ट्री लर्न हो थोड़ी बहुत, तो उसमें हमने एक चैप्टर किया था सेंट्रल इस्लामिक लैंड, जिसमें हमने सल्तनत के बारे में पढ़ा था। तो दिल्ली सल्तनत, यानी जब टर्क्स आए, दिल्ली सल्तनत उन्होंने एस्टेब्लिश की, तो ऑब्वियसली उन्होंने कौन सा रिलीजन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की? दैट इज़ इस्लाम, यानी इस्लामिक रिलीजन अब इंडिया में भी एग्जिस्ट होना स्टार्ट हो गया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 13 सेंचुरी। तो 13 सेंचुरी में इस्लाम जो था वो भारत के अंदर आ चुका था बाय दिल्ली सल्तनत। ओके तो जब इस्लाम एंटर किया हिंदुस्तान के अंदर,
तो जो राजपुताना घराना था ना, यानी राजपूत का जो रिलीजन था, वो क्या होने लग गया था? डिक्लाइन होने लग गया था. क्या होने लग गया था? डिक्लाइन, यानी राजपूत के डिक्लाइनिंग टाइम आ गया था. इतना पॉपुलर नहीं रहा था, उनकी जो पावर थी वो भी क्या हो गई थी? डिक्लाइन हो गई थी. और हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे राजपूत और उनकी पावर डिक्लाइन होने लग गई थी, तो वहाँ पे जो ब्राह्मण्स का रोल था, ब्राह्मण्स का जो रोल था वो भी क्या होने लग गया था? डिक्लाइन होने लग गया था. यानी अब इतना ब्राह्मण्स को फॉलो नहीं किया जाता था. तो जो इस्लाम आया था, इस्लाम क्या लेकर आया था? चेंजेस लेकर आया था. क्या लेके आया था? हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए चेंजेस लेके आया था. ऐसे चेंजेस जो मार्केबल हैं, यानी हमेशा के लिए रहे. और वो चेंजेस थे कल्चरल एंड रिलीजियस चेंजेस. तो कल्चरल और रिलीजियस चेंजेस जो था वो इस्लाम लेके आया. और साथ ही साथ क्या एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ? किसका? सूफीज़म का. किसका? सूफीज़म का एस्टेब्लिशमेंट हुआ. तो सूफीज़म वहाँ पे एंटर कर गया था. अगर आपको अपना प्लस वन का चैप्टर अगेन याद हो तो आपको सूफीज़म के बारे में भी पता होगा. सूफीज़म क्या था? कुरान की अंडरस्टैंडिंग करना, लेकिन प्रैक्टिकल बेस पे, एक एनालिटिकल थिंकिंग रखना कुरान को लेके, कुरान के को फॉलो करना. तो एनालिटिकल थिंकिंग के साथ जब आप कुरान को फॉलो करते हो तो यू आर कॉल्ड एज सूफी, यानी सूफीज़म ट्रेडिशन को आप फॉलो कर रहे हो. तो यही आपका टॉपिक था, फोर्थ टॉपिक, जिसमें हमने ये पढ़ा कि नॉर्थ इंडिया में विष्णु और शिव भगवान की पूजा की जाती थी, लेकिन अलवर्स और नैनार्स के वहाँ कोई एविडेंस नहीं मिले. साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि राजपूत स्टेट वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी और ब्राह्मण्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस सोसाइटी में दी जाती थी. और ये भी पढ़ा कि ब्राह्मण्स के साथ साथ, यानी राजपूत घराने के साथ साथ, कुछ और भी रिलीजन थे वहाँ एग्जिस्ट करते थे और उनके अपने लीडर्स थे, जैसे नाथ, जोगीज एंड सिद्धार्थ. तो ये जो रिलीजन थे वो इतने पॉपुलर नहीं थे, ये अपने ही एरिया तक लिमिटेड रहे. ये जो लीडर्स थे वो आर्टिसंस फैमिली से बिलोंग करते थे, क्राफ्टमैन थे या वीवर्स फैमिली से बिलोंग करते थे. और इस टाइम पीरियड में इनका जो ट्रेड था वो काफ़ी एक्सपेंशन में रहा, और ये ट्रेड उनका सेंट्रल एशिया टू वेस्ट एशिया तक एस्टेब्लिश रहा. इन्होंने भी क्या किया? वेदास के खिलाफ थे ये, अगेंस्ट थे, कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे. और फिर क्या हुआ था, 13th सेंचुरी का जैसे टाइम पीरियड आया, तो वहाँ पे इस्लामिक रिलीजन की एग्जिस्टेंस या एमर्जेंस होने लग गई थी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ न्यू स्ट्रैंड इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जब 7th सेंचुरी का टाइम पीरियड आया ना, कौन सी सेंचुरी का? 7th सेंचुरी के टाइम पीरियड से इस्लामिक वर्ल्ड जो था वो काफ़ी एक्सपेंड होने लग गया था. क्या होने लग गया था? एक्सपेंड होने लग गया था. और यहीं से हमारा टॉपिक है फेथ ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स. फेथ ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स. और इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, या सूफीज़म को डिस्कस करने से पहले, इस्लाम को डिस्कस करने से पहले, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपना प्लस वन का एक बारी सेंट्रल इस्लामिक लैंड जो चैप्टर है वो एक बारी थोरो रीडिंग कर लें, ताकि आपको जो ये टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो और आप डीपली इसे जान पाएँ. तो जब 711 का टाइम, यानी 711 का टाइम पीरियड आया था, तो एक अरब जनरल हुआ करते थे. कौन हुआ करते थे? अरब जनरल हुआ करते थे. उनका नाम था मोहम्मद कासिम. क्या नाम था? मोहम्मद कासिम. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सिंध के ऊपर कॉन्कर कर लिया था. क्या कर लिया था? सिंध को हासिल कर लिया था. और फिर ये जो सिंध थी वो क्या बन गई थी? कैलिफ डोमेन्स बन गई थी. याद है ना कैलिफ क्या होते? कैलिफ कौन थे? जो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जिन्होंने उनकी सोसाइटी को संभाला था, यानी कैलिफेट स्टेट बनाई थी, उनको, उनके जो रूलर हुआ करते थे, जो 4 कैलिफ बनाए गए थे, उनके कैलिफ कहा जाता था. यानी सिंध को भी क्या बना दिया गया था? कैलिफ डोमेन बना दिया गया था. फिर क्या हुआ था 13th सेंचुरी में? जैसे कि हमने पहले भी बात की, 13th सेंचुरी में जो टर्क्स थे और जो अफगान्स थे, क्या थे? टर्क्स एंड अफगान्स. उन्होंने क्या कर दिया था? दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश कर दी थी. दिल्ली सल्तनत
एस्टैब्लिश कर दी थी, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, मतलब इस्लाम को स्प्रेड करना शुरू कर दिया था। तो जब हमने अपनी प्लस वन में ये चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने सल्तनत के भी बारे में पढ़ा था, और जो सल्तनत थी उसकी फॉर्मेशन शुरू हुई थी डेक्कन में। तो ये डेक्कन से होते होते सब कॉन्टिनेंट तक ये फैला था, यानी वहाँ पे तक सल्तनत को बनाया गया था। तो टर्क्स एंड अफगान्स ने क्या की थी, दिल्ली सल्तनत को फॉर्मेट किया था, और सल्तनत जो थी वो डेक्कन से बनी थी, शुरू हुई थी, और वह सब कॉन्टिनेंट के काफ़ी अदर पार्ट्स में भी ये बनी थी सल्तनत। तो आपको याद होगा जब हमने प्लस वन में पढ़ा था कि सबसे पहले जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने उम्मा कम्युनिटी बनाई थी, फिर जब उनकी सडन डेथ हो गई थी तो उनके एरिया को कैलिफ ने संभाला था, चार कैलिफ हुआ करते थे, जिले कैलिफेट स्टेट बनाई थी, फिर कैलिफेट स्टेट पे उमायूद ने कब्जा कर लिया था, उमैद एक डायनेस्टी हुआ करती थी, उन्होंने कब्जा कर लिया था, फिर उमैयद से ये अबाजिद रेवोल्यूशन हुआ था, यानी अबाजिद लोगों ने फिर वापस अपने हाथ में कब्जा कर लिया था। अबाजिद जो थे वो प्रॉफिट मोहम्मद के एक रिलेटिव हुआ करते थे। फिर अबाजिद ने क्या बनाई थी, अबाजिद से क्या हो गया था, यानी उसका उनका भी ब्रेकडाउन हो गया था, वो भी वीक पड़ गए थे, और फिर सल्तनत बनी थी टर्क्स के द्वारा, जिसमें हमने शेजम और सुन्नी लोगों के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। तो वही जो सल्तनत थी दिल्ली सल्तनत में भी, यानी टर्क्स और जो अफगान्स थे दिल्ली सल्तनत उन्होंने बनाई, और जो शुरुआत हुई थी वो डेक्कन प्लस सब कॉन्टिनेंट के अदर पार्ट्स तक ही सल्तनत बनी थी, अगर आपको ये सारा कुछ याद हो। तो क्या हुआ था, 13 सेंचुरी में जो था इस्लाम आ गया था, एंटर कर गया था, तो मुगल एम्पायर भी क्या हो गया था, एग्जिस्ट हो गया था, यानी एमर्जेंस हुई थी मुगल एम्पायर की। कब हुई थी, 16 सेंचुरी में, कब हुई थी, 16 सेंचुरी में मुगल एम्पायर क्या हो गया था, हिंदुस्तान में एमर्ज हो गया था, और यहाँ पर और भी काफ़ी रीजनल स्टेट्स बनने लग गई थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, यानी टिल द टाइम पीरियड ऑफ 18 सेंचुरी, 18 सेंचुरी तक काफ़ी सारी रीजनल स्टेट्स बनने लग गई थी, और मुगल एम्पायर जो था उन्होंने इस्लामिक रिलीजन को काफ़ी फॉलो किया था, या एक्सपेंड किया था, या हम कह सकते हैं स्प्रेड किया था। तो जो मुस्लिम रूलर्स होते थे उन्हें गाइड किया जाता था, गाइडेड बाय उलामा, किसके द्वारा, उलामा के द्वारा। उलामा आपको पता ही है, हमने प्लस वन में पढ़ा हुआ है, इंटरप्रिटेटर्स ऑफ कुरान, वो क्या थे, कुरान के बारे में बताते थे, यानी कुरान को समझाते थे, जिन जो इंटरप्रिटेट करते थे कुरान को उन्हें उलामा कहा जाता था। तो उलामा क्या करते थे, मुस्लिम रूलर्स को गाइड करते थे, और वो किसके बारे में बताते थे, यानी उलामा उन्हें क्या फॉलो करने के लिए कहते थे, शरिया। शरिया के बारे में भी आप वेल नोन हैं, शरिया क्या है, इस्लामिक लॉज हैं, यानी जो मुस्लिम के कानून हुआ करते हैं उन्हें शरिया कहा जाता है। तो शरियाज के, उन्हें भी शरियाज फॉलो करने के लिए मोटिवेट किया जाता था। तो ये तो हो गई मुस्लिम लोगों के, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे लोग भी जो थे नॉन मुस्लिम थे, यानी ऐसे कुछ लोग जो नॉन मुस्लिम कैटेगरी थे जिन्होंने इस्लाम को अभी कबूल नहीं किया था, तो वो लोग थे हिंदू, क्रिश्चियंस, जोइस। तो ऐसी कैटेगरी जो नॉन मुस्लिम कैटेगरी थी, यानी जो इस्लाम को फॉलो नहीं करती थी, तो जो मुस्लिम रूलर्स थे या मुगल एम्परर थे उन्होंने बाकी अदर जो रिलीजन थे उनको काफ़ी रिस्पेक्ट दी थी, और इनको भी पूरा सिक्योर रखा था, हिंदू क्रिश्चियन और ज्यूज कैटेगरी के जो लोग थे उन्हें सिक्योर रखा था। तो इनकी कैटेगरी को क्या कहा जाता था उस टाइम पे, जिम्मी कहा जाता था, क्या कहा जाता था, जिम्मी कहा जाता था। तो उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जाती थी। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे अपनी नोटबुक में हाईलाइट कर लेना। तो ये जो जिम्मी थे, यानी जो नॉन मुस्लिम लोग थे, उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती थी मुगल एम्परर के द्वारा या मुस्लिम एम्परर के द्वारा, लेकिन बदले में इन्हें क्या करना पड़ता था, टैक्स पे करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, टैक्स पे करना पड़ता था, और जो ये टैक्स पे करते थे ना उसे कहा जाता था जिजिया,
क्या कहा जाता था? जिजिया। ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जिजिया कहा जाता था जो ये टैक्स पे किया करते थे, और जो रूलर्स हुआ करते थे, मुगल रूलर्स या कह दो एम्परर्स, वो जो थे हर इंसान की काफ़ी रिस्पेक्ट किया करते थे, हर रिलीजन की काफ़ी रिस्पेक्ट किया करते थे। लेकिन कुछ ऐसे रूलर्स भी आए थे जिन्होंने टैक्स एग्जेम्पशंस भी दी थी। एग्जेम्पशंस मतलब छूट देना, करों को कम कर देना और कुछ रिलीफ दे देना। तो ऐसे भी कुछ रूलर्स आए थे जिन्होंने टैक्स में एग्जेम्पशंस दी थी, किनको? हिंदू को, जैना को, जरास्ट्रियंस को, यानी जिम्मी कैटेगरी के जो लोग थे उन्हें टैक्स एग्जेम्पशन भी दी गई थी, और साथ ही साथ क्या किया गया था, उन्हें रिस्पेक्ट भी दी गई थी, रिस्पेक्ट टू देयर डिवोशंस। उनके जो अपने धर्म थे उनके लिए जो उनकी डिवोशंस थी उनको वो रिस्पेक्ट करते थे नॉन मुस्लिम लोगों को। और मेनली जो जो राजा हुआ करते थे, रूलर हुआ करते थे, जो दूसरे धर्म को भी क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते थे। तो मेनली उन राजा में दो राजाओं का नाम है जो आपकी बुक में बताया गया, एक अकबर और एक औरंगजेब। तो ये दो ऐसे राजा मुगल एम्परर थे जिन्होंने बाकी सारे रिलीजन को भी क्या दिया था, रिस्पेक्ट दिया था, इक्वलेंट रखा था, और साथ ही साथ उन्होंने टैक्स एग्जेम्पशंस भी दी थी, यानी वो हर इंसान की क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से दो ऐसे रूलर थे, मुगल एम्परर थे, जिन्होंने ऑल रिलीजन को, यानी वो सेकुलर फीलिंग रखते थे, हर रिलीजन को क्या करते थे, रिस्पेक्ट देते थे। तो वो हैं अकबर और औरंगजेब। आई होप आपको ये आज का चैप्टर टॉपिक समझ आया होगा, सॉरी, जो हमारा इस्लामिक रिलीजन से रिलेटेड था, और साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया में क्या रिलीजन चल रहा था उसके बारे में। बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है, बस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसे अपनी नोटबुक में हाईलाइट कर लेना। जो आपके ये चैप्टर हैं इसमें लर्निंग पॉइंट ज़्यादा है बजाय कि अंडरस्टैंडिंग पॉइंट। तो इसमें समझने वाली चीज़ बहुत ही कम है, याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस चैप्टर इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो। अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू डू योर वर्क टाइमली, डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर एवरीवन, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।